Hello students, welcome back. Today I teach all of you that's class 10th of mathematics. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 के गणित जो कि चैप्टर 3 पार्ट 3 है, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण उसका एक इक्वेशन है, क्या समीकरण विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो जाए, हिंदी मीडियम के मीन्स की यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में इसे आपको इलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना, मीन्स की विलोपन विधि से। इसमें क्या करते हैं आप कि इन दो समीकरण को लेंगे, इन दोनों समीकरण में से इसी एक टर्म को क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है, x प्लस y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, किसी एक टर्म को विलुप्त करना है, तो विलुप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, विलुप्त करने का रूल क्या होता है कि यदि ये x है तो ये भी x होता है ना, अगर दोनों प्लस में रहता तो हम क्या करते, माइनस कर देते तो विलुप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है सेम नहीं, इनका कोफिशिएंट जो है, जो इनका गुणांक सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे क्या, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ क्या देख, समीकरण एक बेटा 3x + 3y बराबर 15, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 को विलोपन विधि से हल करने पर, आइए देखते हैं समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 4, 3 क्या है, 3x - 3x + 3y बराबर 15, क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, ये पांच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ये 3 × 5x = 15 = 19, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 19/5, ये x का मान फाइंड हो गया, ठीक है। अब आप y के मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये x का मान जो है इसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए, क्या करेंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, 19/5 + y = 5, प्लस ले लीजिए 19 × 5y = 5, अब इसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 × 5y = 5 = 25, इधर भाग में उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 5y = 25 - 19, तो y = 25 - 19 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, 6/5, ये हो गया y का मान, ठीक है। ये था बेटा आपका विलोपन विधि, बहुत ही सिंपल है, मात्र 5 मिनट में आप क्या किए, सीख गए कि किस प्रकार से हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसका पुनः एक सलूशन अवश्य दूंगा, ठीक है। और यदि आप ये चाहते हैं कि और आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पहले सबसे पहले पहुंचे, आप क्या करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपसे हमें इस वीडियो से आपसे एक रुपया लेना नहीं है, मुझे आपसे पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसका यूज करिए, ओके, थैंक यू।